नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्ट स्टडी की एक और क्लास में आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस में मेल्स के बारे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को <coughs> सबसे पहले देखना ये कि मेल्स होती कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मेल देर आर टू टाइप्स ऑफ मेल दो तरीके की मेल होती है नंबर एक है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ठीक है मेल्स में और नंबर दो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स एक ट्रेडिशनल है और एक है प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में ही और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में ही ये पूरी क्लास होने वाली है प्रीमियम हम अगली क्लास में करेंगे ताकि सब मिक्स ना हो जाए ठीक है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में है लेटर इनलाइन लेटर कार्ड पोस्ट कार्ड बुक पैकेट्स बुक पैकेट्स प्रिंटेड बुक्स वाले और बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स वाले और सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट्स ब्लाइंड लिटरेचर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है ना और एट दी एंड पार्सल सर्विस ये सभी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से कि फर्स्ट नाइन कम्स अंडर द लेटर कैटेगरी जो पहले नौ है वो लेटर कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो टेंथ है वो पार्सल कैटेगरी के अंतर्गत आता है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम आगे हैं हमारे पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स ठीक है तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे स्पीड पोस्ट बिजनेस पोस्ट लॉजिस्टिक पोस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट पोस्ट एक्सेट्रा इसमें काफ़ी है मीडिया पोस्ट बिल मेल सर्विस नेशनल बिल मेल सर्विस तो सभी को हम डिटेल में देखेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे इस क्लास में हम ट्रेडिशनल मेल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे ठीक है ये आपने पहले भी पढ़े होंगे एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको ठीक है सबसे पहले है लेटर्स एक लेटर क्या होता है अ लेटर मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज़ इंक्लोज इन अ एंड एड्रेस्ड। ठीक है एक पत्र का अर्थ है कोई भी संचार जो एक लिफाफे में संलग्न हो और किसी को संबोधित किया गया हो तो वो लेटर कहलाता है लेटर का जो मैक्सिमम वेट है वो कितना होता है दो के जी तक हो सकता है ठीक है लेटर का मैक्सिमम वेट जो है वो दो के जी तक हो सकता है आगे है साइज़ ठीक है लेटर का साइज़ क्या है इफ़ द लेटर इज़ इन रोल फॉर्म अगर लेटर जो है आपका वो रोल फॉर्म में होगा तो मिनिमम जो है सिंगल डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेंथ प्लस ट्वाइस द डाई और लेंथ प्लस डायमीटर मीटर का दोगुना दो डायमीटर दो तो वो होने चाहिए मिनिमम 17 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है यह था रोल फॉम में आगे देख लेते इफ़ द लेटर इज़ नॉट इन रोल फॉर्म रोल फॉर्म में नहीं है <coughs> तो क्या होना चाहिए मिनिमम जो है एनी सिंगल डायमेंशन जो है मिनिमम एक सौ चालीस एम एम इंटू नाइंटी एम एम होना चाहिए और मैक्सिम सिक्सटी एम एम होना चाहिए लेंथ प्लस ब्रेड प्लस डेप्थ जो है मैक्मम आपकी नाइन्टी सेंटीमीटर तक होनी चाहिए ये डायमेंशनस थे लेटर्स के आगे लेटर इन अदर देन रोल फॉर्म शेल बी इनवेल द फॉलोइंग साइजेज़ ठीक है अगर रोल फॉर्म में नहीं है लेटर्स और एनवलप्स में है तो एनवलप्स जो है वो इस साइज़ के होने चाहिए ठीक है हाईएस्ट जो है इसका तीन सौ तिरपन इंटू दो सौ पचास एम एम है ठीक है सबसे पहला है एक सौ चालीस इंटू नाइन्टी एम एम इन साइज़ के एनवलप्स होने चाहिए ठीक है आठ साइज़ हैं यहाँ पे दिए हुए वन फिफ्टी टू इंटू नाइन्टी एम एम टू ट्वेंटी इंटू एक सौ दस एम एम एक सौ बासठ गुणा एक सौ चौदह एम एम और एक सौ छिहत्तर गुना एक सौ पच्चीस एम एम दो सौ उनतीस गुना एक सौ बासठ एम एम तीन सौ चौबीस गुना दो सौ उनतीस एम एम और आठ तीन सौ तिरपन गुना दो सौ पचास एम एम ठीक है इन सभी के लिए जो है टॉलरेंस दिया जाता है दो एम एम का प्लस और माइनस हो सकता है वो ठीक है दो एम एम का टॉलरेंस दिया जा सकता है आगे एनवलप्स शुड बी मेड ऑफ पेपर ऑफ़ फॉलोइंग थिकनेस और जो एनवलप है लेटर के लिए वो होने चाहिए इस थिकनेस के बने हुए मिनिमम 0.08 पॉइंट mm का होना चाहिए और जो मैक्सिमम थिकनेस है पेपर की वो होनी चाहिए 0.18 पॉइंट mm, यानी कि 8 0.08 पॉइंट mm से लेकर 0.0.18 पॉइंट mm ज़ीरो तक होनी चाहिए थिकनेस यानी कि मोटाई कागज़ की ठीक है जिससे लेटर का एनवेलप बनेगा आगे है इनलाइन लेटर कार्ड कम्युनिकेशन इज़ कंटेंट on a sheet of paper with prescribed size and following uh, and folding. Inland card is used for transmission within India only. sanchar संचार कागज की एक शीट पर aakar आकार और तय के साथ निहित antardeshiya patra पत्रकार्ड का उपयोग केवल भारत के भीतर संचरण के लिए किया जाता है ठीक है Inland लेटर कार्ड्स केवल inland letter card नाम ही इसलिए क्योंकि ये सिर्फ inland में ही चलता है ठीक है मैक्सिमम वेट जो है इन लेटर कार्ड का वो पाँच ग्राम होता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ठीक है तो आप इसे याद रख सकते हैं और द डायमेंशन ऑफ द लेटर कार्ड इंक्लूडिंग इट्स फ्लैप वन फोल्डेड और फोल्डेड शेल एज फॉलो ठीक है फोल्डेड और अनफोल्डेड ठीक है तो सबसे पहले अनफोल्डेड का देखेंगे मिनिमम जो है वो 28.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है थ्री सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है डायमेंशन और फ्लैप का जो साइज़ है टोटल तीन फ्लैप्स लगेंगे इसमें जब अनफोल्डेड रहेगा टोटल टोटल थ्री फ्लैप्स होंगे राइट एंड लेफ्ट वंस जो राइट right और लेफ्ट के फ्लैप होंगे वो वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बाय टेन सेंटीमीटर होने चाहिए और जो टॉप साइड का फ्लैप होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बाय ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ठीक है तो आगे है फोल्डेड जिस समय फोल्डेड होंगे तो मिनिमम जो है 15.2 सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर है डायमेंशन और मैक्सिमम डायमेंशन है 21 सेंटीमीटर गुना दस सेंटीमीटर और जो मिनिमम पेपर यूज होगा इन लाइन लेटर कार्ड के लिए वो होगा 70 जी एस ये एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है और नोट यहाँ पे यह है कि प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड इन लाइन लेटर कार्ड ऑल्सो एक्सेप्टेड इफ़ इट इज़ ऑफ द सेम टाइप एंड सेम साइज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल मैन्युफैक्चर वन प्राइवेटली मैन्युफैक्चर इन लैंड लेटर कार्ड भी अलाउड है अगर वो सेम साइज़ के और सेम टाइप के हैं जैसे आ, जो भी कंडीशंस डिपार्टमेंटल इन लैंड लेटर कार्ड के लिए वो सेम अगर वो भी फॉलो करते तो वो भी एक्सेप्टेड है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे हमारा है पोस्ट कार्ड्स पोस्ट कार्ड इज़ ओपन कम्युनिकेशन ऑन कार्ड ऑफ प्रिस्क्राइब साइज ठीक है डार्क निर्धारित आकार के कार्ड पर खुला संचार है पोस्ट कार्ड टू वेराइटीज़ होती है पोस्ट कार्ड में दो वेरायटीज़ होती है पोस्ट कार्ड में अवेलेबल ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ इंडिया में एक है सिंगल पोस्ट कार्ड एक है रिप्लाई पोस्ट कार्ड सिंगल पोस्ट कार्ड जब भेजा जाता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड जब किसी के उत्तर के लिए साथ में भेजा जाता है ठीक है तो साइज ऑफ पोस्ट कार्ड जो है आ, 14 सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर लेंथ गुणा ब्रेथ है लंबाई और चौड़ाई ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ठीक है और टाइप्स ऑफ पोस्ट कार्ड है दो टाइप के पोस्ट कार्ड होते हैं प्रिंटेड पोस्ट कार्ड और मेघदूत पोस्ट कार्ड ठीक है तो ये था हमारा पोस्ट कार्ड अब आगे है हमारे पास बुक पैकेट्स बुक पैकेट्स है मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट्स मैक्सिमम जो वजन होगा बुक पैकेट्स का वो पाँच के तक होगा साइज प्रिस्क्राइब मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ क्या रहेगा अगर रोल फॉर्म में आपका है रोल फॉर्म में आपकी लेंथ मिनिमम टेन सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम एटी सेंटीमीटर तक हो सकती है बुक पैकेट्स की टोटल लेंथ प्लस टू डायमीटर ठीक है टोटल लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर जो है आपका मिनिमम सत्रह सेंटीमीटर होना चाहिए मैक्सिमम हंड्रेड सेंटीमीटर तक हो सकता है अदर देन रोल फॉर्म अगर रोल फॉर्म में अगर वो रोल फॉर्म में है तो आ, जो है अगर रोल फॉर्म में नहीं है ठीक है इन रोल फॉर्म था अभी तक आ, अगर रोल फॉर्म में नहीं है आपका बुक पैकेट तो 10 गुना सात सेंटीमीटर मिनिमम साइज़ होना चाहिए उसका और मैक्सिमम होना चाहिए साठ सेंटी सेंतिमे, साठ सेंटीमीटर गुना तीस सेंटीमीटर गुना तीस थी सेंटीमीटर ठीक है तो नोट इसमें है बुक पैकेट्स वैन सेंट इन कार्ड फ्रॉम वेदर फोल्डेड और नॉट शेल बी नैदर थिनर नॉर मोर फ्लेक्सीबल देन इन लैंड पोस्ट कार्ड ठीक है नोट uh, यहाँ पे एक दिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर बुक बुक पैकेट्स को कार्ड के फॉर्म में भेजा जाता है ठीक है चाहे वो फोल्डेड हो या फिर अनफोल्डेड हो ठीक है कार्ड के फॉर्म में अगर कभी भेजा जाता है तो वो ना ही पतला होना चाहिए और ना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए इनलैंड पोस्ट कार्ड से ठीक है तो ये ध्यान में रखने वाली बात है आगे बढ़ेंगे प्रोहिबिशंस क्या क्या है देर शैल बी नो पर्सनल कम्युनिकेशन इनक्लोज और रिटर्न अप अ बुक पैकेट बुक पैकेट जब भी भेजेंगे उसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए ना ही उसके अंदर इनक्लोज़ किया हुआ होना चाहिए ना ही ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए इट शल नॉट कंटेन एनी पेपर मनी पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स चेक एक्सेट्रा ठीक है ना ही आप बुक पैकेट्स में जो है पेपर मनी यानी कि कागज़ के नोट्स भेज सकते हो पैसे भेज सकते, सकते हो ना ही पोस्टेज या फिर कोई अदर स्टैम्प्स भेज सकते हो ना ही चेक्स भेज सकते हो चेक बैंक चेक वगैरह ठीक है तो ये प्रोहिबिशन है बुक पैकेट्स के लिए आगे है बुक पैकेट कॉन्टेनिंग प्रिंटेड बुक्स ठीक है प्रिंटेड बुक्स को ले जाने वाला बुक पैकेट्स स्पेसिफिकेशन आर एज़ फॉर बुक पैकेट जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है जैसी बुक पैकेट्स की होती है इट शल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन रेगुलर इंटरवल्स नो एडवेंट पर परमिटेड ठीक है ना ही बुक पैकेट्स प्रिंटेड बुक्स वाले में कोई भी ऐसी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स में प्रिंट होती रहती है पब्लिश्ड होती रहती है ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए इसमें ठीक है आगे बुक पैकेट्स पीरियोडिकल्स वाले स्पेसिफिकेशन इसके भी सेम है साइज वगैरह सब कुछ सेम रहेगा आप वही आ, ध्यान से पढ़ सकते हैं आगे गया द कॉन्टेंट शेल बी पीरियोडिकल्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ़ न्यूज़ पेपर इन इंडिया द फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ द पीरियोडिकल शेल हैव द सेम सब्सक्रिप्शन रजिस्टर्ड विद सीरियल नंबर प्रिंटेड ऑन इट इसमें केवल पीरियोडिकल्स होने चाहिए ठीक है बुक पैकेट कॉन्टेनिंग पेरीओडिकल्स वाले में केवल पेरीओडिकल होंगे जो कि uh, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ जो है इंडिया में रजिस्टर्ड होंगे और इनका जो पहला और आखिरी पन्ना है उसमें रजिस्टर्ड सुपरस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए सीरियल नंबर के साथ ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी स्पेसिफिकेशन सभी सेम है इसकी भी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम आगे हमारे पास सैंपल एंड पैटर्न पैकेट्स इट में कॉन्टेन बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न और सैम्पल ऑफ मर्चेंडाइज नॉट हैविंग एनी सेलेबल वैल्यू टुगेदर विद और विदाउट मैटर विच मे बी सेंड बुस बुक पैकेट इसमें वास्तविक व्यापार पैटर्न या फिर माल का नमूना हो सकता है जिसका कोई बिक्री योग्य मूल्य नहीं है साथ में बिना साथ में या बिना पदार्थ के जिसे बुक पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है ठीक है पैटर्न और सैंपल पैकेट में बोनोफाइड ट्रेड पैटर्न हो सकते हैं आपके सैंपल हो सकती है मर्चेंडाइज के ठीक है जिनका सेलेबल वैल्यू नहीं है कि वो बेचने के लिए नहीं है वो सिर्फ सैंपल्स के लिए उन्हें भेजा जा सकता है और बाकी स्पेसिफिकेशन इसकी भी बुक पैकेट्स के पत्र आई रहेगी सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट्स की साइज़ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा मैक्सिमम वेट जो है इसका वो टू के जी रहेगा बुक पैकेट्स वगैरह का सबका फाइव के जी है सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट का टू के जी रहेगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत बार और आगे है हमारे पास ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट

फॉर द यूज़ ऑफ ब्लाइंड आर अलाउड टू बी ट्रांसमिशन बाय पोस्ट एज ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट ठीक है सात किलो तक जो है नेत्रहीन साहित्य पैकेटों का मुफ्त संचालन की अनुमति देती है इंडिया पोस्ट ठीक है नेत्रहीनों के लिए किसी भी प्रकार के पत्र पत्रिकाओं को जो कि ब्रेल में होने चाहिए ठीक है ब्रेल में होने चाहिए वो ब्रेल स्क्रिप्ट में ब्रेल लिपि में ठीक है उन्हें भेज सकते हैं आप जो भी नेत्रहीनों के साहित्य से संबंधित है या फिर उनके उपयोग से संबंधित है आगे साइज एंड पैकिंग सेम एज़ फॉर बुक पैकेट साइज और पैकिंग जो है इसकी सेम होगी जैसे बुक पैकेट्स की होती है कंडीशंस क्या रहेगी इसमें इट मस्ट बी सेंड बाय और टू अ ब्लाइंड पर्सन नो राइटिंग ऑन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन शुड बी इनक्लोज एक्सेप्ट द टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट द की ऑफ इंस्ट्रक्शन अ लेबल फॉर रिटर्न ऑफ द पैकेट ठीक है कंडीशन uh, सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है वो एक ब्लाइंड पर्सन के द्वारा भेजा जाना चाहिए या फिर एक ब्लाइंड पर्सन को भेजा जाना चाहिए ठीक है या फिर ब्लाइंड पर्सन होना चाहिए रिसीवर या फिर दो में से एक पार्टी ब्लाइंड होनी चाहिए इसके लिए और कोई भी रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए उसमें इंक्लोज किया हुआ एक्सेप्ट किसके टाइटल और टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लिख हो सकता है उसमें की हो सकती है इंस्ट्रक्शन कीज हो, हो सकती है और एक लेवल हो सकता है रिटर्न पैकेट के रिटर्न करने के लिए ठीक है आगे है हमारे पास दसवें नंबर पे पार्सल पार्सल में क्या क्या भेज सकते हैं एनीथिंग कुछ भी भेजा जा सकता है जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है पीओ गाइड पार्ट वन में पढ़ा है हमने प्रोहिबिटेड क्या क्या चीज़ें ठीक है, है आगे सिंगल कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी ऑफ पार्सल इज अलाउड और सिंगल कम्युनिकेशन पार्सल के एड्रेसी के लिए अलाउड है सिंगल कम्युनिकेशन भेज सकते हैं पार्सल के एड्रेसी के लिए ठीक है ये पार्सल इज सस्पेक्टेड इट विल बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी अगर पार्सल पे कोई संदेह होता है डिपार्टमेंट को तो पार्सल को ओपन किया जाएगा एड्रेसी की प्रजेंस में एड्रेसी की मौजूदगी में ठीक है मैक्सिमम वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल अनरजिस्टर्ड पार्सल का जो मैक्सिमम वेट है वो चार के होगा मैक्सिमम वेट फॉर रजिस्टर्ड पार्सल वो ट्वेंटी के जी रहेगा ये रजिस्टर्ड पार्सल का जो ट्वेंटी के जी वेट है वो मैक्सिमम रहेगा और पार्सल बुकड एट और एड्रेस्ड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस ठीक है अगर आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस से आप एड्रेस कर रहे हो या फिर वहाँ से बुक कर रहे हो या फिर वहाँ के लिए भेज रहे हो तो दस के जी आपका हाइस्ट पार्सल का वेट रहेगा बाकी एस ओ एच ओ सब के लिए हाइस्ट आप बीस के तक भेज सकते हैं डायमेंशन क्या रहेगी पार्सल की ठीक है लेंथ पार्सल की नॉट मोर देन वन मीटर एक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और लेंथ लेंथ प्लस ग्रिथ जो है नॉट मोर देन वन पॉइंट एट मीटर ठीक है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायमेंशंस का और हमने ये सभी चीज़ें जो भी हमने अभी देखी ट्रेडिशनल मेल पी ओ पार्ट वन में अच्छे से पढ़ी हुई है सभी ठीक है तो ये एक रिवीजन ही टाइप मान लीजिए प्रोडक्ट एंड सर्विस की पहली क्लास है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में वो पूरी डिटेल में आपको मिलेगी ठीक है ये थोड़ी छोटी क्लास रहेगी आगे है वैल्यूपेबल पोस्ट वैल्यूपेबल पोस्ट मैक्सिमम 5000 तक आप भेज सकते हैं वैल्यूपेबल पोस्ट और आर्टिकल कैन बी सेंट एज वैल्यूबल पेबल पोस्ट और कौन कौन से आर्टिकल है जिन्हें भेजा जा सकता है वैल्यूपेबल पोस्ट के अंतर्गत सबसे पहले रजिस्टर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड लेटर्स रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन्हें भेजा जा सकता है वैल्यूपेबल पोस्ट के अंतर्गत और नॉट अलाउड इन वैल्यूपेबल आर्टिकल वैल्यूपेबल आर्टिकल में क्या अलाउड नहीं है कूपन्स नहीं भेज सकते आप टिकट्स नहीं भेज सकते और एडवर्टाइजमेंट नहीं भेज सकते जो कि हमने पी ओ गाइड पार्ट वन में भी पढ़ा था स्नो बॉल सिस्टम ठीक है को बनाती है तो वो नहीं भेज सकते आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह आगे है फीस फॉर वैल्यूपेबल आर्टिकल वैल्यूपेबल आर्टिकल के लिए फ़ीस कितनी होगी एक हमारा कॉलम है वैल्यू वैल्यूपेबल आर्टिकल का सेकंड है हमारा वैल्यू वैल्यूपेबल फीस अप टू तो ट्वेंटी रुपीज़ जो ट्वेंटी रुपीज़ तक का वैल्यू वैल्यूपेबल आर्टिकल होगा उसके लिए दो रुपये इक्कीस से पचास के लिए तीन रुपये और एबो फाइव एबोव फिफ्टी अप टू तो हंड्रेड पाँच रुपये ठीक है सौ ग्राम तक के लिए पाँच रुपये फीस लगेगी उसके बाद हर 20 ग्राम के लिए जो है दो रुपये इक्कीस से 50 ग्राम के लिए तीन रुपये और 100 ग्राम तक के लिए पाँच रुपये फीस है ठीक है पेबल आर्टिकल्स के लिए आगे बढ़ेंगे हम आगे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है आर्टिकल विच कैन बी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन आपका सभी को पता है कि रजिस्टर्ड करवा के रजिस्टर्ड डाक के अंतर्गत भेजते जब तो उसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं कौन कौन से किए जा सकते हैं लेटर किए जा सकते हैं लेटर कार्ड किए जा सकते हैं पोस्ट कार्ड किए जा सकते हैं बुक एंड पैटर्न पैकेट किए जा सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स को भेजा जा सकता है और पार्सल एंड न्यूज़ पेपर प्रीपेड विद पोस्टेज एट न्यूज़ रेट्स ऑफ पोस्टेज मे बी रजिस्टर्ड एट एनी पोस्ट पार्सल और न्यूज़पेपर प्रीपेड को भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अब किन किन चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है एनी पार्सल एग्जिटिंग फोर के जी ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बहुत बारी कि रजिस्ट्रेशन करना किसके लिए ज़रूरी है ये सेम ही ऑप्शन होते हैं एनी पार्सल एग्जिटिंग फोर के जी ऐसा कोई भी पार्सल यदि है जो वेट में चार के से ऊपर है तो उसको रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है एनी इंश्योर्ड आर्टिकल कोई भी अगर बीमित आर्टिकल है तो उसे भी रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है एनी पार्सल एड्रेस टू अ प्लेस फॉर विच अ कस्टम डेक्लरेशन इज़ रिक्वायर्ड ठीक है अगर ऐसा कोई पार्सल आप ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ के लिए कस्टम डेक्लेशन करना अनिवार्य है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है उसका और एनी आर्टिकल Containing the following stamps, labels, check, bank note, uh, bank post bill, bill of exchange. अगर किसी भी आर्टिकल में ये सब चीज़ें हैं यानी कि stamp है लेबल है चेक है बैंक नोट है बैंक पोस्ट बिल है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसे भी रजिस्टर करवाना अनिवार्य है ठीक है आगे है एनी आर्टिकल बियरिंग द वर्ड रजिस्टर अगर आपने किसी आर्टिकल में रजिस्टर्ड लिखा है तो उसे भी रजिस्टर करवाना अनिवार्य है एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज़ रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि एक बार डिलीवर हो गया है उसके बाद रीपोस्ट किया जा रहा है उसको भी रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है और यदि कोई भी पेबल आर्टिकल है तो उसे भी रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है आगे है हाउ टू रजिस्टर्ड रजिस्टर किस प्रकार से किया जाता है मस्ट बी प्रजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट विल बी गिविन फॉर द सेम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जो है आपके, आपके आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस की विंडो पर प्रजेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके लिए आपको एक रिसिप्ट भी दी जाती है आगे है इंश्योरेंस ठीक है लास्ट है हमारा आज का इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इंश्योरेंस जो है सारे रिस्क को जो भी आपकी आ, सॉरी कंटेंट को हो सकती है आपके आर्टिकल को हो सकती है ट्रांसमिशन के दौरान उसको कवर करता है कंपलसरी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस इंश्योरेंस फीस इंश्योरेंस आप तभी करवा सकते इंश्योरेंस करवा रहे हो अगर आप तो प्री पेमेंट जो है आपको पोस्टेज की करनी अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन फीस की और इंश्योरेंस फीस की ठीक है आर्टिकल्स दैट कैन बी इंश्योर्ड कौन कौन से आर्टिकल है जो इंश्योर्ड किए जा सकते हैं रजिस्टर्ड लेटर वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर रजिस्टर्ड पार्सल और वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल को इंश्योर्ड आप कर सकते हैं ठीक है आगे है लिमिट ऑफ इंश्योरेंस लिमिट जो है इंश्योरेंस की वो कितनी रहेगी अप टू अप टू द वैल्यू ऑफ सिक्स हंड्रेड फॉर आर्टिकल्स बुक एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो भी आर्टिकल बुक होंगे उनके लिए छः सौ रुपए तक आप इंश्योर कर सकते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में किसी आर्टिकल को अप टू द वैल्यू ऑफ वन लैक फॉर आर्टिकल बुकड एट द अदर पोस्ट ऑफिस एस और अदर पोस्ट ऑफिस में एस और अदर पोस्ट ऑफिस में जो भी आर्टिकल बुक करेंगे आप so, एस ओ एच या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़ के एक लाख रुपए तक आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं उसकी इंश्योर्ड वैल्यू शैल नॉट एग्जिट द रियल वैल्यू ऑफ़ द आर्टिकल और इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू से अधिक नहीं होनी चाहिए जो भी आर्टिकल की आपकी रियल वैल्यू बनती है और आखिरी पॉइंट है हमारा द आर्टिकल कॉन्टेनिंग गोल्ड और बुलियन गोल्ड कॉइन और बुलियन गवर्नमेंट करेंसी नोट्स ठीक है बैंक नोट्स बैंक नोट्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शेल बी इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉन्टेंट अगर कोई भी आर्टिकल है जिसमें गोल्ड कॉइन है बुलियन है गवर्नमेंट करेंसी है तो ऐसे आर्टिकल्स को जो है एक्चुअल वैल्यू में ही उसके इंश्योर किया जाना चाहिए एक्चुअल वैल्यू से अधिक में इंश्योर नहीं किया जा सकता ठीक है थीके? तो आज की क्लास में इतना ही है बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें